केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। मैंने अपने विधायकों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया। पांडे जी, पहले सवाल में गंभीरता लाइए। विधायकों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया। एफआईआर कॉपी मिलने के बाद एक पत्रकार ये सवाल पूछे, ये गंभीर बात है। मैंने, आपने शायद एफआईआर पढ़ा नहीं। मैंने बोला एफआईआर, मैंने बोला विधायकों ने मेरे से ये बातें कही, लेकिन मैंने उनके ऊपर किसने शिकंजा कसा उस पर जांच करने की मैंने बात की है। टॉफल दी गवर्नमेंट आप पहले पढ़िए अंग्रेजी, उसमें ये लिखा गया। मैंने अपने विधायकों के मुख्यमंत्री ने आप लोगों से क्या संपर्क? मेरे से कोई संपर्क नहीं, कोई संपर्क था, कोई संपर्क किया? मैंने ये नहीं बोला। फुरकान जी आप पे सवाल उठा रहे हैं कि अनुपजी को अगर ऐसी बात थी तो उनको पहले बताना चाहिए था। ऐसा है कि फुरकान अंसारी जी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, लेकिन फुरकान अंसारी जी ना प्रभारी हैं, ना राष्ट्रीय महासचिव हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना सीएलपी हैं। जिनको बतानी थी मैंने बता चुका हूं और पहले से बताया जाता हूं। तो आप चाहते हैं कि तीनों विधायकों से अच्छे से पूछताछ हो कि वो कहां गए थे? वो पार्टी का विषय है। वो देखिए, विधायक मेरे साथ उतने ही सम्मानित हैं जितना मैं सम्मानित हूं। विधायक भी विधायक है, मैं भी विधायक हूं। मैं ये सवाल नहीं उठा सकता, ये पार्टी का विषय है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता तय करेंगे कि विधायकों के साथ क्या करना है, कैसे बात करना है, क्या सवाल करना है। अगली सरकार किसकी बनने वाली थी ये तो आप समझ ही सकते हैं। पहले कंसल्टेशन तो पहले जब लोग कंसल्ट किए तो पहले डिस्क्लोज किए क्या? अभी जब ये बात गिरफ्तारी हुई तब डिस्क्लोज किया? देखिए, हर चीज की एक समय सीमा होती है और हर चीज का एक मौका देना चाहिए सबको। जब मौका देने के लिए जगह ही नहीं छोड़ा गया जी। अब आपका शरीर का कोई अंग खराब हो जाएगा तो आप उसका पहले इलाज कराइएगा कि कटवा के फेंक दीजिएगा? पहले तो इलाज कराइएगा ना। उन्होंने इलाज कराने का मौका नहीं दिया तो आखिरी में काट के फेंकना पड़ा। मेरे को कोई फोन नहीं आया। आपसे संपर्क किया गया? मैंने बोला ना, इन तीनों विधायकों ने मेरे को बोला। मेरे को कोई फोन नहीं आया, मेरे से बात हुई थी विधायकों का, मेरे से बात हुई। अच्छा, तो वो लोग क्या बोल रहे थे आपको 10 करोड़ रुपए के लिए? मैंने व्हाट्सएप में दे दिया, ये एफआईआर में दे दिया पांडे। ये जांच का विषय। मैं पहले भी जांच के लिए तैयार था, आज भी जांच के लिए तैयार हूँ। पहले भी मैंने एफआईआर किया था, आज भी मैंने एफआईआर किया। ये डीजीपी झारखंड से पूछिए, होम सेक्रेटरी झारखंड। मैं सरकार नहीं हूँ, मैं विधायक हूँ। विधायक होने के नाते, कंप्लेनेंट होने के नाते मैंने किया है। ये सवाल का जवाब मुख्यमंत्री जी ज्यादा अच्छे से देंगे, होम सेक्रेटरी अच्छा से ज्यादा से देंगे और डीजीपी अच्छे से देंगे जी। पिछले बार मेरे से किसी ने संपर्क नहीं किया था, मुझे सूचना मिली थी। आप लोग पहले पता कर लिया करिए कि आप पूछ क्या रहे हैं। पिछले बार मुझे सूचना मिली थी और सूचना कोई बताता नहीं है, ठीक है? आप लोग प्रेस रिपोर्टर हैं, आप लोग को ही मालूम है, जो सूचना वाला होता है उसका नाम नहीं उजागर किया जाता है। इस बार संपर्क किया गया था और इस संपर्क की जानकारी मैंने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दोनों को दे दिया। बीजेपी कह रही है कि बर्खास्त होना चाहिए वैसे तीनों विधायकों को। अब बीजेपी की मांग है तो बीजेपी अपनी मांग पर अड़ल रहे, लेकिन करना क्या है वो तो पार्टी के नेता तय करेंगे। पार्टी से कुछ मांग करेंगे और करेंगे? पांडे जी, अकेले आप ही का सवाल इतना होता है, कभी और को भी मौका दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी को कितनी बड़ी मदद की? देखिए, ये कोई हीरो की भूमिका नहीं है, ये पार्टी की बात है और पार्टी की बात से ज्यादा जनता की बात है। जिस जनता ने सरकार को चुन के भेजा है उस जनता की आशाओं को और उनके डिसीजन को गलत तरीके से टॉफल डाउन करना, इसके विरोध में मैं था। तो मेरे को जो अपना काम करना था वो मैंने किया, अब सरकार को जो काम करना होगा सरकार करेगी। फुरकान अंसारी की तरफ से है सर कि नहीं, एक साजिश के तहत उठाया गया? पिता का दर्द मैं समझ सकता हूँ। मेरा हाथ आज लगा था कि उखड़ जाएगा मेरा, मेरे हाथ में पूरा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।